योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बैठक में न्यायिक पदों पर 4% आरक्षण दिव्यांगों को देने का निर्णय लिया गया है। और देखिए कैबिनेट बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए, आप जरा खुद देखिए। योगी सरकार एक्शन मोड में है। आज हुई अहम कैबिनेट मीटिंग में 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट मीटिंग में लैब असिस्टेंट भर्ती से जुड़ा अहम फैसला भी लिया गया। अब लैब असिस्टेंट के लिए 25% प्रमोशन से बाकी सीधी भर्ती होगी। ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं उन 14 प्रस्तावों को जिन पर योगी कैबिनेट ने मोहर लगाई। यूपी में पर्यटन के लिए 4 पॉइंट स्वीकृत, भागीरथी में विकास कार्य, आगरा मथुरा प्रयागराज में हेलीपैड, लखनऊ में रमाबाई स्थल में हेलीपैड, हेलीपैड पर प्राइवेट प्लेन की भी लैंडिंग, पोखराया बिंदकी राजमार्ग का चौड़ीकरण, 1136 करोड़ की लागत से पीपीपी मॉडल पर 42 किलोमीटर मार्ग, लखनऊ में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का मुख्यालय, लैब असिस्टेंट के लिए 25% प्रमोशन से बाकी सीधी भर्ती। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी आ रहे हैं, सब उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, प्रेजेंटेशन हुआ और आज कैबिनेट मीटिंग? बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ, नगर विकास, आवास, वन विभाग, लोगों को जानकारी भी मिल जाती है, सुझाव भी लिए जाते हैं और 100 दिन की, 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की कार्य योजना पर भी चर्चा हो जाती है, तो कुल मिला के बहुत उपयोगी है। चर्चा थी कि कैबिनेट मीटिंग में किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने का ऐलान हो सकता है। इसके साथ साथ 60 साल से ऊपर की महिलाओं को बस में फ्री यात्रा के पास का ऐलान और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लगने वाले टोल टैक्स के रेट को कम करने की भी खबरें थी, लेकिन फिलहाल इस पर फैसला नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाबा का बुलडोजर लगातार बाहुबलियों और भ्रष्टाचारियों पर चल रहा है। आज शामली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। अब एक हाथ में गरीब कल्याण की योजना को लेकर के, विकास की योजना की छड़ी को लेकर के चलेंगे और दूसरे हाथ में इन बेमान और भ्रष्टाचारी लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर का लेकर। बाबा का बुलडोजर भ्रष्टाचारियों और बाहुबलियों के लिए काल बना हुआ है। शामली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर ने कहर बरसाया। मामला कांधला इलाके का है, जहां सरकारी जमीन और कब्रिस्तान पर कब्जा कर अवैध रूप से हो रहे निर्माण कार्य को प्रशासन ने रुकवा दिया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलाकर आधे अधूरे मकान और कई दीवारों को गिरवा दिया। इस दौरान टीम को महिलाओं के विरोध का सामना भी करना पड़ा। दरअसल कैराना रोड पर पुलिस स्टेशन के सामने लगभग 15 बीघा जमीन पर एक कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान पर पिछले काफी समय से लोगों ने कब्जा करके उस पर घर बनाकर वो रह रहे थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों और नगर पालिका के साथ ही चिन्हित करके 6 कॉलोनियों को तो अभी तक हम लोगों ने और बाकी में जांच चल रही है और जितनी भी अवैध कॉलोनियां पाई जाएंगी उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर दोबारा किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।